YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के ब्रॉडर व्यू के बारे में। इस सप्ताह में निफ्टी हमारा क्या कर सकता है, डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है या अपसाइड, बैंक निफ्टी में डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है या अपसाइड, उसी तरह से ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या सिनेरियो है, बिटकॉइन में क्या केसेस है, आपको बिटकॉइन अभी बाय करना चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मार्केट का, जिसमें हम निफ्टी को फॉलो करते हैं। निफ्टी हमारा टॉप 50 कंपनी से बना हुआ इंडेक्स है। हमारे कंट्री के जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो इसे लीड करती है। तो ये हमारे मार्केट के ब्रॉड व्यू को बताता है, मार्केट हमारा क्या है, अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। देखिए, ये ट्रेंड लाइन काफी जबरदस्त है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम निफ्टी में किसी भी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। गिरावट मतलब एक बड़ा गिरावट होना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन। देखिए, यहाँ बीच पे एक दिन यहाँ पर डाउनफॉल हुआ था, दूसरे दिन भी इसके नीचे रहा, लेकिन तीसरे दिन यहाँ ऊपर निकल गया। तो इस तरह का मोमेंटम हमें नहीं देखना, हमें एक डाउन साइड करेक्शन आए जैसा करेक्शन यहाँ पर हमें देखने मिला था। अब देखिए, यहाँ पर 2000 पॉइंट से ज्यादा का निफ्टी करेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर पहुंच चुका है। तो हो सकता है यहाँ पर डबल टॉप बना दे निफ्टी, क्योंकि अभी तक तो गिरावट की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो हो सकता है डबल टॉप बनाए, तब जाके हमें गिरावट देखने मिले, या इसी डायरेक्शन में एक नया टॉप हमें देखने मिले, ऐसा भी हो सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से हमें अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन देखने मिल सकता है। तो फिलहाल निफ्टी में कोई भी गिरावट की संभावना हमें नहीं दिख रही है। अब देखिए, यहाँ पर वीकली चार्ट लगाते हैं। देखिए, वीकली चार्ट पर यही पे हैमर बना था। हैमर बनने के बाद हमने बात किया था निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हो सकता, और वैसा ही हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई फिर से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, डॉजी बनाता है, कोई भी ऐसा कैंडल बनाए जो कि हमें बेरिश साइन दे, तभी हम जाकर कह सकते हैं कि निफ्टी में गिरावट हो सकता है। फिलहाल कोई भी ऐसा साइन नहीं है जिससे निफ्टी में गिरावट की संभावना दिखे। अब फिलहाल जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम निफ्टी में कोई भी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, निफ्टी के बाद जो हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में भी 20% से ज्यादा है। अगर बैंक निफ्टी में कोई साफ गिरावट होती है, निश्चित रूप से वो निफ्टी को भी वीक करेगा। लेकिन यहाँ पर निफ्टी में भी कोई खास हमें गिरावट तो देखने नहीं मिल रही है, लेकिन जो बैंक निफ्टी में बुलिशनेस था वो बुलिशनेस यहाँ समाप्त हो चुका है। जो बैंक निफ्टी है वो अपने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद एक जो है रेंज बना रखा है, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना है डेली चार्ट पर, लॉन्ग लेग डोजी बना है, और ये डोजी बता रहा है ऊपर से सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर बैंक निफ्टी में साफ दिख रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, जो कि 38,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, निश्चित रूप से हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर गिरावट देखने मिलेगा। 38,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसको बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, जबकि निफ्टी बुलिश है। तो या तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो साइडवेज हो जाए, या निफ्टी में गिरावट हो, या तो बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाए, क्योंकि दोनों का एक साथ कंबाइन होना बहुत ही जरूरी है। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो या तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, या बैंक निफ्टी वहां साइडवेज होगा, और साइडवेज होने के बाद गिरावट होगा, फिर बैंक निफ्टी में भी गिरावट होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ कॉन्साइड होना है, या तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाए, निफ्टी वहीं पर साइडवेज हो जाए, या तो बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहेगा, फिर निफ्टी साइडवेज होकर के नीचे आ जाएगा। तो कहीं कहीं दोनों कॉन्साइड करेगा। फिलहाल हमें निफ्टी में कोई गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में दिख रही है, तो ये निफ्टी को भी कमजोर कर सकता है, मतलब निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है। अब देखिए, बात करते हैं सेंसेक्स का। तो देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग सेम ही चलता है। थोड़ा सा यहाँ पर सेंसेक्स जो इस बार यहाँ पर दिखा रहा है, ये सेंसेक्स जो है थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज है, जबकि निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश है। तो सेंसेक्स में थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम देखने मिला है। बस इसमें टॉप 30 कंपनियां होती है हमारे स्टॉक मार्केट की, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां। तो थोड़ा सा सेंसेक्स तो साइडवेज दिख रहा है, निफ्टी काफी बुलिश दिख रहा है। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसे हम निफ्टी जूनियर के नाम जानते हैं। तो ये भी फिलहाल निफ्टी के ही तरह काफी ज्यादा यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहा है।
अब देखिए फिर है निफ्टी मिड कैप। देखिए मिड कैप स्टॉक्स का जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप, ये भी काफी ज्यादा बुलिश है। तो मिड कैप स्टॉक्स में भी काफी गजब का तेजी आपको देखने मिलेगा जो भी इस इंडेक्स में है। तो जो भी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है मिड कैप में, उसके साथ आप बने रहिए जब तक हम मार्केट में कोई बेरियसनेस साइन नहीं दिखता है। फिलहाल आज जो है यहाँ पर मिड कैप में थोड़ा सा रेड कैंडल देखने मिला है, लेकिन अभी भी कोई खास बेरिश साइन नहीं देखने मिला है। फिर है निफ्टी स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स भी निफ्टी की तरह काफी ज्यादा बुलिश है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है, लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा बुलिश है। ये भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। मतलब सभी के सभी इंडेक्स में निफ्टी, निफ्टी जूनियर, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप सबके सब बुलिश है। अभी किसी भी में हमें बेरिश साइन देखने नहीं मिला है। तो क्यों? तो हमारा ओवरऑल मार्केट जो है इंडियन मार्केट वो बुलिश है। तो आपको जब तक रिवर्सल का साइन नहीं दिखता है तब तक आपको जो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर आना चाहिए, जिस स्टॉक में हमें तेजी दिख रहा है उसके साथ बने रहना है। फिर अगला जो हमारा सेक्टर वाइज है वो एफएमसीजी सेक्टर। देखिए एफएमसीजी सेक्टर पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। तो एफएमसीजी सेक्टर में अभी भी कोई खास स्ट्रॉन्गनेस साइन देखने नहीं मिला है। ये फिर है निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी तो काफी ज्यादा जबरदस्त बुलिश है। निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई से नीचे है, जबकि निफ्टी आईटी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पर मतलब अपना ऑल टाइम हाई इसी बुल रैली में बनाया जो लास्ट स्विंग है निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी का जो लास्ट स्विंग है डेली चार्ट पे वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर निफ्टी आईटी जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है, यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है, मतलब साइडवेज हो चुका है। तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अभी भी काफी ज्यादा बुलिश हैं। तो अगर आपको बाय करना ही है तो किसी भी गिरावट में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, जो भी सेक्टर लीडर है जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। फिर उसके बाद है फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, और फार्मा सेक्टर में भी बीच में थोड़ी सी तेजी आया था। ये जो स्विंग है वो तेजी को दिखाता है, फिर यहाँ पर एक करेक्शन देखने मिला। और ऐसे भी आज भी देखेंगे फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने मिला। तो फार्मा सेक्टर में अभी भी बुलिश होने में काफी वक्त लगेगा, जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को, मतलब जब तक ये 15,000 के ऊपर नहीं चला जाता, सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक फार्मा सेक्टर हमें बुलिश होता हुआ देखने नहीं मिलेगा। उसके बाद है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर जस्ट जो है बैंकिंग सेक्टर के साथ ही चल रहा है। देखिए जिस तरह से बैंक में गिरावट आपको देखने मिलेगा, उसी तरह फाइनेंस सेक्टर के देखिए इंडेक्स में भी गिरावट देखने मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से बैंकिंग सेक्टर साइड पेज है, फाइनेंस सेक्टर भी साइड पेज है, तो अभी भी बुलिश है। बैंकिंग सेक्टर भी बुलिश है, फाइनेंस सेक्टर भी बुलिश है, आईटी भी बुलिश है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा जिस तरह से निफ्टी बुलिश है उस तरह से फाइनेंस में और बैंकिंग में हमें बुलिशनेस नहीं देखने मिला है। ये दोनों इंडेक्स जो है बैंक और फाइनेंस थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अभी भी बुलिश है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंस सेक्टर को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जैसे एक्सिस बैंक है उसमें काफी गिरावट देखने मिला, वहीं जो जैसे आपको फेडरल बैंक हो गया काफी तेजी आपको देखने मिलेगा। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो कई सारे अभी भी काफी ज्यादा वीक हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, काफी गजब तेजी देखने मिलेगा। मैंने कई बार आपको बताया भी था कि हीरो मोटर कॉर्प को आप बाय करते हैं, काफी नीचे के प्राइस पे मिल रहा था, और अभी हीरो मोटर कॉर्प में काफी गजब की तेजी है, और वो यहाँ पर देख सकते हैं उस वो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को भी काफी ऊपर लेके जा रहा है। तो ये सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर अभी काफी ज्यादा बुलिश है। तो ऑटो सेक्टर के जिस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने मिले, तो उसके बाद आता है मेटल सेक्टर। ये भी कुछ खास बुलिश नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें बुलिशनेस हमें देखने मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज है, जब तक ये 6,320 को क्रॉस नहीं करता तो ये भी बुलिश नहीं हो सकता। उसके बाद है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में भी कुछ खास बुलिशनेस नहीं देखने मिला है। देखिए ये भी यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज भी है, जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसे भी कुछ खास बुलिशनेस नहीं देखने मिलेगा। उसके बाद है इंफ्रा सेक्टर। देखिए इंफ्रा सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए इंफ्रा सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाला है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो आप इस सेक्टर के जो सेक्टर लीडर स्टॉक से उसको बाय करते हैं, काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन याद रहे अगर यहाँ पर ये रिजेक्शन ले लेता है, अगर रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस करता है, तो फिर आपको इस सेक्टर के अवॉइड करना चाहिए। फिर अगला है मीडिया सेक्टर। देखिए मीडिया सेक्टर भी पूरी तरह से साइडवेज है, इसे भी हम तब बुलिश मानेंगे जब ये अपने ऑल टाइम हाई 2,500 को क्रॉस करता है, तो फिर मीडिया सेक्टर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुलिश होगा। लेकिन अभी भी ये वीक नहीं है, साइडवेज है। तो जो सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें इंफ्रा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, तो इन सेक्टर के स्टॉक्स को आप किसी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं। आईटी, ऑटो, इंफ्रा,
और बहुत सारे सेक्टर है जो कि अभी साइडवेज है, कोई खास ऐसा सेक्टर है नहीं जो काफी ज्यादा वीक हो, थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर वीक है, नहीं तो सबके सब सेक्टर अभी साइडवेज है। जैसे निफ्टी में गिरावट होगा तो सभी सेक्टर में गिरावट होगा, अगर निफ्टी स्ट्रांग रहता है या निफ्टी साइडवेज भी रहता है तो जो सेक्टर बुलिश है उसके स्टॉक जो है, जो भी अच्छे स्टॉक होंगे, फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स होंगे, उसमें काफी ज्यादा आपको तेजी देखने मिलेगा। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, साथ ही साथ जो सेक्टर बुलिश है उसके साथ रहना है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट में हम खास करके डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं। देखिए डाउ जोन्स में यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर मार्केट जो ऑल टाइम हाई पर था जब डाउ जोन्स हमारा मार्केट 2000 पॉइंट के करेक्शन पे था, वहां से हमारा मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो गया, जबकि डाउ जोन्स में देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखने मिल रहा है। डाउ जोन्स में देखिए लगातार करेक्शन देखने मिल रहा है, तो अभी भी डाउ जोन्स से वीक नहीं हुआ है। जब तक ये 35,650 को ब्रेक नहीं करता है, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तब तक डाउ जोन्स से यहाँ पर वीक नहीं होगा। डाउ जोन्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट मतलब यूएसए मार्केट जो है काफी स्ट्रांग है, तो जब तक यूएसए मार्केट स्ट्रांग रहेगा ग्लोबल मार्केट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो जब तक ग्लोबल मार्केट वीक नहीं होता है तो हमारा मार्केट भी बहुत ज्यादा वीक होने की संभावना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रूड ऑयल का। तो देखिए क्रूड ऑयल काफी गजब की तेजी देखने मिला और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है निश्चित रूप से काफी गजब का तेजी यहाँ पर देखने मिलेगा। कई सारे ग्लोबल ऐसे केसेस हुए हैं जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में गिरावट आई है, जिससे कि क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ने से क्रूड ऑयल के प्राइस में लगातार तेजी यहाँ पर देखने मिल रहा है। उसके बाद है गोल्ड। देखिए गोल्ड यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। ये फिलहाल गोल्ड जो इस ट्रेंड लाइन जो कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा है इसके आसपास है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मतलब इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। फिलहाल गोल्ड जो यहाँ पूरी तरह से साइडवेज है और ये इसका सपोर्ट रीजन, अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर काफी ज्यादा यहाँ पर हमें गिरावट गोल्ड में देखने मिल सकता है। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं हम बिटकॉइन का। देखिए बिटकॉइन जो है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक बिटकॉइन बुलिश नहीं होगा। तो बिटकॉइन में फिलहाल जो है काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने मिल रहा है, बिटकॉइन में लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। यहाँ पर आपको वेट करना है कि जब तक बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको बाय ऑन एवरी डिप करना है। जैसे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन में जब तेजी होती है तो 100% तक ये 2 से 3 महीने में मूव कर जाता है। उसके बाद आता है यूएस डॉलर INR के वर्सेस। तो यहाँ पर देखिए ये इसका, अब यहाँ पर देखिए डॉलर जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। यहाँ ये लाइन था जब डॉलर लगातार वीक हो रहा था और यहाँ पर लो लगाया 73.70 रुपीज का, और यहाँ पर डॉलर इतना ज्यादा वीक होने के बाद फिलहाल यहाँ पर डॉलर में स्ट्रांगनेस देखने मिला है और रुपया लगातार वीक हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा डॉलर स्ट्रांग होगा रुपया वीक होगा, क्योंकि एक डॉलर का कीमत यहाँ पर 73.70 रुपीज से बढ़ करके 74.30 रुपीज हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, तो अभी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, फिलहाल डॉलर को बाय कर सकते हैं और ऊपर के प्राइस लेवल पर आप डॉलर को सेल कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हमारा आज का। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।